बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है। गर्मी अपने चरम पर है और महीना एंड के पोजीशन पे है। 2 दिन 3 दिन और बचे हैं, 29, 30, 31। ये मई चल रहा है 2024 का, और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, नीट की एग्ज़ाम के लिए, या आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो भी। बट शायद आपकी पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। हाँ, इसमें से मैं बता सकता हूँ कि लगभग मोर देन 90% जो बच्चे हैं अभी ना, अभी दे आर सेलिब्रेटिंग हॉलीडेज। ठीक है, दे आर सेलिब्रेटिंग हॉलीडेज, दे आर बिजिंग एंड दे आर स्पेंडिंग देयर मोस्ट ऑफ द टाइम वॉचिंग रील्स। कहाँ पे? इंस्टा पे या यूट्यूब पे या फेसबुक या ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद ये बहुत ही फेमस है। ट्विटर व्विटर पे आप लोग कम एक्टिव रहते हैं क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स और ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। एनीवेज, हम अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं। ये 12th क्लास का जो इकोलॉजी वाला सेक्शन है उसका लास्ट चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ये है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ना आपको फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ यहाँ पे जो है ना, फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। और साइंटिस्ट का नाम अगर यहाँ पे है जो रिलेटेड है, जिन्होंने काम किया है, रिसर्चर हैं, तो उनका नाम और जो उसके साथ एसोसिएटेड फैक्ट्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, यही है इसमें। मीनिंग हम आपको समझाएंगे सारी चीज़ें, इसीलिए एनसीईआरटी खोलने का मैंने बताया ना कि पर्पज़ क्या है। पर्पज़ यही है क्योंकि जो यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं वो फैक्ट्स मैं आप तक पहुँचा सकूँ और आप याद कर सकें उसको। और याद एक बार में करने की कोशिश मत करिएगा कि हम एक बार में पढ़े सब याद हो जाना चाहिए। नहीं, यू यू रिपीट एंड रिवाइज, रिपीट एंड रिवाइज। शुरुआत में आपको हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन धीरे 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 टाइम कम हो जाएगा। हम ये इसके ऊपर कि कैसे चीज़ें करनी है, इसके ऊपर एक और स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेटजी वीडियो नंबर 2। ठीक है, बनाऊंगा मैं। हो सकता है इसका साइज थोड़ा छोटा रहे, मे बी बढ़ जाए, आई डोंट नो, क्योंकि बताते समय चीज़ें ये होती है ना कि ये छूटे ना, वो ना छूटे, इस चक्कर में चीज़ें हो जाती हैं। एनीवे, चलिए हम शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इसमें हम दो टर्म देख रहे हैं और दो टर्म को समझेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसका कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, दोनों जगह से क्वेश्चन आया, बहुत बार क्वेश्चन आया, हर बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये पूरे इकोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन आता है ठीक ठाक। सो आप लोग जो पीछे के सारे लेक्चर्स हैं मैंने बड़े अच्छे से कवर किया है, उसको भी देखिए, और जो अभी आज का लेक्चर है इसको भी, जब ये आज या कल में ख़त्म हो जाएगा तो हम अब एक दिन में लाइव करने भी देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, तो हम एक एक करके लाइव करेंगे भाई। ठीक है, बाद में फिर वो प्लेलिस्ट में पड़ा ही रहेगा। चलिए, तो मीनिंग बताइए कि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। हाँ, अरे ऐसे टेक लगा के मत लेट के देखिए भाई। हाँ, बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए, टेबल पे बैठिए। हाँ, या तो बेड टेबल ले लीजिए, लेकिन बैठ के देखिए। थोड़ा सा आपके पास ना पेन होना चाहिए और एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। बुक खोलने का पर्पज़ क्या है भाई? हाँ, बुक खोलने का पर्पज़ क्या है? ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आपको नोट डाउन भी करना है कुछ चीज़ें, अगर आपको लगता है कि इसको साइड में लिखना है, इधर जो स्पेस दिया हुआ है एनसीईआरटी में ढेर सारा, उसको भरिए ना, उसको भरिए। जो हम बताते हैं उसको वहीं पे नोट करिए, अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इवन क्लास में नोट्स नहीं बनवाता हूँ, रीज़न क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है अलग से नोट्स बनाने की। क्यों? क्योंकि आप उस नोट्स पे फोकस करने लगते हैं, यही एनसीईआरटी को उतार देंगे दूसरी जगह, नोट्स बन जाएगा। लो भाई, क्यों बनाना है अननेसेसरी? हाँ, आपको मेजर कॉन्सेप्ट का अपने हिसाब से बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना, जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल वाले होते हैं, ठीक है, तब ठीक है, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, और ये आपको करना है एग्जाम से पहले तक। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब हमने पहले बताया था, लाइफ होता है बायोस, बायो का मतलब लाइफ है। ठीक है, कहाँ से आया है? बायोस से आया है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम नॉर्मल टर्म में अगर ह्यूमन की बात करते हैं या अपने कल्चर की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात, ठीक है, तो इंडियन कल्चर यूनिक है। यूनिक किस सेंस में है? यूनिक है जी, नहीं, यूनिक किस सेंस में है? इंडियन कल्चर यूनिक किस सेंस में है?
क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है डाइवर्स है, ठीक है। आप जो है पंजाब में चले जाइए, आप राजस्थान में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, और आप यूपी में बैठे ही हैं, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया आसाम हो गया, ठीक है। ये सेवन सिस्टर्स, ठीक है, यहाँ पे हम पूरा लिख देते हैं क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर्स लिख देते हैं। अब सेवन सिस्टर्स कौन सा आपको पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो आप ढूंढिए, सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम, ठीक है। तो ये टोटल एट स्टेट उधर आ जाते हैं। अब ये देखिए साउथ इंडिया में चले जाइए, साउथ इंडिया में, ठीक है, जहाँ पे आपको कर्नाटका मिलेगा, केरला मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, आंध्र मिलेगा, समझ रहे कि नहीं, तेलंगाना मिलेगा। सेंट्रल इंडिया में चले जाइए, एमपी में, हर जगह आपको डिफरेंट टाइप्स का फूड मिलेगा, फूड की डाइवर्सिटी मिलेगी, कपड़े पहनने की डाइवर्सिटी दिखेगी, क्लॉदिंग पैटर्न, डांस की डाइवर्सिटी दिखेगी, समझ रहे ना, बोली लैंग्वेज की डाइवर्सिटी दिखेगी, हर जगह की लैंग्वेज अलग है, यही क्या है, डाइवर्सिटी है, समझ रहे ना, मीनिंग समझे कि नहीं, यही डाइवर्सिटी है, बस कहानी खत्म। अब इसी को आप देख लीजिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं भाई, आप अपने आसपास देखिए, फिर बाद में दूसरी जगह जाइएगा, जो दिख रहा है उससे ऑब्जर्व करिए पहले, क्या दिख रहा है आपके आसपास। आपको डॉग्स भी दिखता है, पेट भी है, आप पालते भी हैं, ठीक है, कैट्स भी पालते हैं लोग, नहीं भी पालते हैं तो भी ये घूमती रहती हैं, चूहा घरों में दिख ही जाता है, ठीक है, रैट्स दिख जाता है, इंसेक्ट आपको दिख जाता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के दिखते हैं इंसेक्ट, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। कैटल्स में बहुत सारी वैरायटी आपको दिखती है, बफेलो हो गया, कैटल्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो वीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, समझ रहे कि नहीं, गुआवा हो गया, जितने टाइप्स के आपको प्लांट दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट में देखिए, फ्लावर्स, रोज फ्लावर हो गया, मैरी गोल्ड हो गया, समझ रहे कि नहीं, गुड़हल हो गया, आपको जितने, रात रानी हो गया, रात राजा हो गया, दिन का राजा, रात रानी, बहुत सारे, जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये सब। और अगर आप थोड़ा सा भी आइडिया आपको है इन्वर्टिब्रेट्स का, इन्वर्टिब्रेट्स अगर पढ़े हैं तो ठीक है, हमने लेक्चर डाला हुआ है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इन्वर्टिब्रेट बहुत डिटेल में डाला है, इन्वर्टिब्रेट्स फिर से डालेंगे। इन्वर्टिब्रेट्स का क्या मतलब होता है, नॉन कॉर्डेट्स हैं, कहाँ से कहाँ तक आते हैं, फाइलम पोरीफेरा टू, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। तो इसमें आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज, डिफरेंट टाइप्स के आपको दिखेंगे, हर तरीके में उनका अलग अलग पैटर्न होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पैटर्न होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होगा, ठीक है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म अलग होगा, समझ में आ रहा है ना, यही है डाइवर्सिटी, यही क्या है, डाइवर्सिटी। तो इसको अगर एक लाइन में ऐसे बोला जाए, ठीक है, एक लाइन में बोला जाए तो क्या कहा जा सकता है इसको, कि और ये सारे कहाँ दिखने को मिल रहे हैं आपको, अर्थ पे ही दिख रहे हैं ना भाई, आप दूसरे प्लेनेट पे नहीं जाके देख रहे हैं, दूसरे प्लेनेट की डाइवर्सिटी अगर होगी तो अलग होगी, समझ रहे हैं ना। सो डाइवर्सिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें एक लाइन में अपने हिसाब से, तो क्या बोलते हैं, ऑल लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, ऑन दी अर्थ प्लैनेट। और ये अर्थ प्लैनेट में कौन सा एरिया होगा जहां पे लाइफ लाइफ फॉर्म दिखेंगे, बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर का मतलब पता है कि नहीं, बायोस्फीयर का मतलब पता होना चाहिए आपको, बायोस्फीयर कौन सा रीजन होता है, एक गोला ये है, ठीक है, दूसरा गोला, एक सेकेंड बनाते हैं आपको, दूसरा गोला जो है आपका ये है, तीसरा गोला जो है आपका ये है, ठीक है, और ये सारे अर्थ पे है। ये कौन सा गोला है, ये गोला है आपका एटमॉस्फियर का, ये गोला किसका है, लिथोस्फियर का, लिथोस्फियर का, और ये गोला किसका है, हाइड्रोस्फियर का, मतलब पानी, ठीक है, और ये ऊपर वाला आसमान जो है आपको दिखता है, आसमान या टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर जो भी बोले, और ये आपका सॉयल या रॉक वाला एरिया जो होता है, ठीक है, लिथोस का मतलब होता है रॉक या सॉयल, ठीक है।
समझ रहे हैं कि नहीं? इन तीनों में जहाँ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ये जो हमने आपको सेंटर में ग्रीन कलर से डिनोट किया है, ठीक है, ये दिस रीजन इज द व्हाट बायोस्फीयर। यहीं पे क्या मिलती है हमको? लाइफ मिलती है। अब एटमॉस्फेयर में एक लिमिट के बाद जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाएंगे तो वहाँ लाइफ नहीं मिलेगी। धरती के नीचे एक लिमिट के बाद जाएंगे तो वहाँ लाइफ नहीं मिलेगी। पानी के नीचे समुद्र में एक लिमिट के पास जाएंगे, कोई ट्रेंचेज होगा, वहाँ पे लाइफ नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीजन मिलेंगे आपको। तो जो जो रीजन है अर्थ का, जहाँ पे अर्थ मतलब तीनों को मिला के, जहाँ पर लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और जितने टाइप्स की लाइफ है, ऑल लाइफ फॉर्म्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स, ऑल डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स कर दीजिए और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे कि सेम ही की बात कर रहे हैं। ऑल डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ प्लैनेट इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गया? हमको लग रहा है कि मीनिंग समझा दिए। और कंजर्वेशन का मतलब सही है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट करना उनको, उसी फॉर्म में उनकी जो जो भी डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस, बहुत सिंपल लैंग्वेज, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस। समझ रहे ना? कंजर्व करके रखना। कंजर्व करने का मतलब यही है ना भाई, कि जिस फॉर्म में है वो उससे ख़त्म ना हो जाए। जैसे एक्सटिंक्शन की हम बात करते हैं ना, कि भाई कोई कोई स्पीसीज है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई स्पीसीज का नंबर जो बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलेगा ही नहीं। जैसे आज गौरैया है, गौरैया आसपास दिखती नहीं है। कोयल भी देखिए सिटी से गायब होती जा रही है, दिखेंगे कहीं कहीं। हाँ, आप गोदावन देख लीजिए राजस्थान में, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, GIB, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी। हमको इनको क्या करना है? कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, इनका नंबर जो है बढ़ाना है। टाइगर टाइगर की पॉपुलेशन एक टाइम इंडिया में बहुत डाउन हो गई थी, फिर हमने टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया, ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई। उसके बाद टाइगर का हम प्रोटेक्शन या करना शुरू किए, इनका रिप्रोडक्शन और कंजर्वेशन। और आज के टाइम पे देखिए टाइगर का नंबर जो है इंडिया में अच्छा खासा पहुंच गया है। टोटल कितना है? 2800 के करीब, 2800 के ऊपर है शायद, ठीक है। वो हमेशा डेटा निकलता है, चेंज होता रहता है। क्लियर है कि नहीं? मीनिंग अब बता दिए हैं, अब आगे चलते हैं, बस यही है कहानी। अगर ये मीनिंग समझ लिए हैं तो फिर आगे की कहानी जो है आपके लिए आसान होगी, ठीक है। हम यहाँ कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, इनको ध्यान रखने की शायद ज़रूरत नहीं, लेकिन नीचे अगर दिया हुआ है तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? इवन फॉर ह्यूमंस द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच दे शेयर दिस प्लैनेट नेवर सीजेस टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस, नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स, ठीक है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज आपको किस कौन सी दिखी, इन चारों में से, फिशेस में से, एंट्स में से, ऑर्किड्स में से, बीटल्स में से, किसकी? बीटल्स की, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे एकदम से फैक्ट नहीं पूछेगा ना, तो वहाँ पे आप जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे लोवेस्ट कौन है, हाईएस्ट लोवेस्ट, ये सब चीज़ें ना ध्यान रखनी है। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्लियर है कि नहीं? हाँ। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना इस पे वर्क कर रहे थे। भाई अब देखिए, आपके पास जंगल है, समुंदर है इतना, ठीक है, एटमॉस्फियर में हर जगह कहाँ कहाँ लाइफ आप ढूंढते फिरेंगे और कैसे काउंट करेंगे, तो काउंटिंग जो है पॉसिबल नहीं है, इट नॉट पॉसिबल। तो हम हमेशा ना अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अप्रोक्सीमेशन मतलब स्टडी करते हैं, एरिया की स्टडी करते हैं, ठीक है, हैबिटेट की स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट की, और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट जो है ना अपना अपना एस्टिमेट लगा रहे थे, और उसी में सब लोगों ने बोला कि भाई कुछ, किसी ने बोला कि भाई 50 मिलियन है, 50 बिलियन है, किसी ने अपने हिसाब से दे दिया, ठीक है। तो कितनी डाइवर्सिटी है वो हम ही देखेंगे, ठीक है, कितना अप्रोक्सीमेशन सही था। और आज के समय में हम क्या कंसिडर करते हैं कि नोन डाइवर्सिटी कितनी है, नोन एंड डिस्क्राइब्ड, दो दो तरीके की डाइवर्सिटी को हम पढ़ेंगे। एक नोन एंड डिस्क्राइब्ड होगी। नोन एंड डिस्क्राइब्ड का मतलब जिनके बारे में हमको पता है सब कुछ, ठीक है,
और उनका इम्पोर्टेंस ले से लेके और उनका यूसेज सब पता है। दूसरी है जिसके बारे में हमको नहीं पता है, अननोन। तो ये इन्हीं के बेसिस पे ना एस्टिमेशन है, क्लियर है कि नहीं? इन्हीं के बेसिस पे जो है ना एस्टिमेशन है, क्लियर है इतनी चीज़ें कि नहीं? अब ये क्वेश्चन तो बहुत लॉजिकल है, इसका जवाब आप दीजिए कि कैसे बेनिफिट हमको मिलता है। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, ठीक है? वाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द लाइफ हिस्ट्री, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन केम अबाउट। तो आपने पढ़ा होगा कि इवोल्यूशन का एक एस्पेक्ट है, तो ये इसको लिंक करते रहिए हल्का सा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ने की जरूरत है क्योंकि तो ये रिटर्न वाला क्वेश्चन नहीं है। हाउ का क्वेश्चन ये ना, हाउ वाला जो है, ठीक है? ये इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में देखिए कैसे इवोल्यूशन में इतनी डाइवर्सिटी आई, ठीक है? हैबिटेट चेंज हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, तो उसमें क्या हो गया, धीरे धीरे जेनेटिक लेवल पे जो फिटनेस है वो चेंज होती गई, इवोल्यूशन होता गया। और इसमें क्या हो गया, इवोल्यूशन होता है ना, हमने पढ़ा है ना, नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा पता है। अगर मान लीजिए कि ये एंसेस्टर का स्टॉक है, यहाँ से मान लीजिए ऐसे चल रहा है, और कुछ ऐसे एक टाइम आया, मिलियन ईयर बिलियन ईयर आया टाइम, उसके बाद यहाँ पे इवोल्यूशनरी फोर्सेस काम कर रहे हैं, और यहाँ से ना एक ऐसा पॉइंट आया, यहाँ से बाइफर्केशन हो गया ऐसे, ठीक है? समझ रहे ना? फिर ये ऐसे चलती रही ब्रांच, और एक टाइम ऐसा आया, यहाँ पे पॉइंट आया कि यहाँ से फिर से बाइफर्केशन ऐसे हो गया, समझ रहे ना? ओरिजिनल स्टॉक जो एंसेस्टर का है सेम है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम हमारे जो एंसेस्टर हैं, ठीक है, कौन है भैया, हम बोलते हैं ना चिंपांजी, सबसे क्लोजेस्ट हमारे एंसेस्टर जो हैं चिंपांजीज हैं। सो यही है, ये डाइवर्सिटी तो है, ये डिफरेंट स्पीसीज बन गई, डिफरेंट बन गई, डिफरेंट बन गई। ऐसे ही प्लांट और एनिमल दोनों के केस में चीज़ें हुई हैं, ठीक है? तो ओरिजिनल स्टॉक क्या था, डाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ आई, क्लियर है कि नहीं? कभी कभी ये डाइवर्जेंस था, ये डाइवर्जेंस था, कभी कभी कन्वर्जेंस भी होता है, मतलब दो अलग अलग स्टॉक थे लेकिन इवोल्यूशनरी फोर्सेस काम करते करते ना ये इतने करीब आ गए कि अल्टीमेटली जो है एक टाइप की स्पीसीज को जो है ना, एक ही टाइप की स्पीसीज को इन्होंने क्या किया, बना दिया। तो ये होता है क्या, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब कन्वर्ज होना, मिलना, और डाइवर्जेंस का मतलब बिछड़ना, ठीक है? तो यही हुआ, यही दो तरीका मेन है, उसके अलावा जितने भी इवोल्यूशनरी फोर्सेस काम करते हैं वो ऐसे होते हैं, समझ रहे ना? तो ये भी ऐसे ही है। तो जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी होती है ना, ये उससे लिंक है कि भाई इकोसिस्टम में जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही बढ़िया हमारा फूड वेव होगा या फूड चेन होगा, ठीक है? समझ रहे ना? डाइवर्सिटी बहुत कम होगी तो ये फूड चेन उतना ही ज़्यादा या ससेप्टेबल होगा, ठीक है? मतलब वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इकोसिस्टम के कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हमारे लिए कैसे ये हेल्पफुल है भाई, हम जितनी चीज़ों को देखते हैं आसपास, तो हमको हेल्पफुल तो अपने जो एनिमल्स हैं जिनसे हमको कुछ फ़ायदा मिलता है, ठीक है, जितने प्लांट हैं जो हमको एस्थेटिकली मतलब फ़ायदा देते हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, खुशबू देते हैं जहाँ से हम इसेंशियल ऑयल निकालते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं कि नहीं? फिशेस हैं तो जिनके जिनको जो फिशेस को खाने वाले हैं, मतलब जो भी चीज़ आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, वो तो आपको लगता है, बहुत लोगों से पूछेंगे तो बोलते हैं ना कि इससे हमको क्या काम है। मेढक से जैसे पूछ लीजिए, मेढक के लिए तो लोग कहेंगे भैया मेढक का क्या काम है, मेंढक मरे जिए क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम मार देते हैं ना, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो, हम पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारी काम की चीज़ जो है वो होनी चाहिए, लेकिन हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि भाई जो पॉलिनेटर्स हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो तो साइंटिस्ट सोच रहे हैं, बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम खाली डायरेक्ट बेनिफिट जो है ना, डायरेक्टली जो बेनिफिट हमको मिल रहा है, बस उसी के बेसिस पे सोचते हैं कि हमको फायदा हो रहा है, ठीक है? लेकिन आप सोचिए कि सब कुछ लिंक है, एक दूसरे से ना कहीं लिंक है। अगर हम एक चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे ना और पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाए, जैसे की स्टोन स्पीसीज, ठीक है? अब की स्टोन स्पीसीज को हम जो है डायरेक्टली अगर चाहे हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन हम अगर उसी इकोसिस्टम के पार्ट हैं, उसमें हम दूसरी स्पीसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, सब कुछ खाते हैं, चाहे प्लांट की स्पीसीज हो चाहे एनिमल की स्पीसीज हो, लेकिन कीस्टोन स्पीसीज से हमारा कोई नाता नहीं है डायरेक्टली। अब मान लीजिए किसी वजह से कीस्टोन स्पीसीज जो है एलिमिनेट हो गई उस इकोसिस्टम से, क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, इसको हमने क्रॉस कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है ना कोलैप्स कर जाएगा। अब कोलैप्स किया तो जहाँ
जो अदर ऑर्गेनिज्म थे जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट थे वो भी खत्म हो जाएंगे, उनका भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, बस कहानी खत्म। समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही है। तो आप इम्पोर्टेंस को समझिए, इसको पढ़िएगा आप अपने लेवल पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप थोड़ा सा ढूंढेंगे ना जब, तो मज़ा आता है। ढूंढने पे क्या होता है, पता चलता है, आपको नया नया इंसाइट मिलता है। खाली आप लोग हैबिट बना लेते हैं कि कोई बता दे हर चीज़ और वही चीज़ रट लें, फिर कहानी ख़त्म। तो नहीं, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? और इस डाइवर्सिटी को अगर हम स्टडी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हम कैसे स्टडी करेंगे? तो हम जैसे अपने बॉडी के लिए स्टडी करते हैं, तो बॉडी में हम सेल, ठीक है, और सेल किससे बना है इसकी भी स्टडी करते हैं। सेल किससे बना है, जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल्स मतलब मैक्रो माइक्रो जो भी हैं भाई। मैक्रो में क्या है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। माइक्रो में क्या है, जितने अदर इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। माइक्रो सेल के बाद फिर आता है ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल आएंगे, टिश्यू आएगा, टिश्यू के बाद क्या आएगा, टिश्यू सिस्टम आएगा, टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन आएगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आएगा, ऑर्गन सिस्टम के बाद बॉडी आएगी। ये है ना ऑर्गेनाइजेशन। तो हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो इस लेवल पर करते हैं, यहीं पर। तभी भाई इसी लेवल पर करने से हमको पता चला है ना कि जो सेल होते हैं दो टाइप के होते हैं, सेल होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक जो होता है यूकैरियोटिक सेल होता है ना। हाँ, अगर इस लेवल में हम स्टडी नहीं करते तो फिर कैसे पता चलता है? क्योंकि ये तो यहीं पर रुक जाते हैं, हम ना बढ़ते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सिमिलरली हम बायोडाइवर्सिटी को भी डिफरेंट लेवल पर स्टडी करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को भी डिफरेंट लेवल पर स्टडी करते हैं। उसमें से हमको तीन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। कौन कौन सा? जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम लेवल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो GES क्या है? GES, जो भी आप तरीके से याद रखिए, गेस करिए, ठीक है। इन तीनों लेवल पे करते हैं, उनको हम अभी देखेंगे। छोटा छोटा दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके, तो उतना ही देखेंगे। मीनिंग यहाँ देखते हैं, ये देखिए, हेट्रोजेनिटी का मतलब है डिफरेंट टाइप्स की एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट एट ऑल लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल टू बायोम्स। बायोम का मतलब बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया जिसमें कई सारे इकोसिस्टम है, बायोम्स, ठीक है। और पूरे बायोम को, जो अर्थ का पूरा बायोम है, उसको मिला के ही क्या बोलते हैं, बायोस्फियर। क्लियर है? ओके। सो बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। नाम याद रखिएगा, ही वॉज सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। जो सोशल साइंस की स्टडी करते हैं ना, इनका इम्पोर्टेंस हमारे कंट्री में कम है। हमारे कंट्री में खाली IITians या मेडिकल जो तैयारी हम करवा रहे हैं, या आज के समय में सिविल सर्वेंट्स IAS बनना, ठीक है, बस इन्हीं का इम्पोर्टेंस है। सोशियोलॉजिस्ट का इम्पोर्टेंस यहाँ पे कम है कंपेरेटिवली। सारा सारा सोचिए कि डेटा सोशियोलॉजिस्ट का, कि मतलब एजुकेशन सिस्टम के लिए है, जो हमारे अदर सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसका डेटा हम बाहर से लेते हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे मतलब बाहर वाले स्टडी खूब करते हैं। अमेरिका वाले देखेंगे तो बहुत स्टडी करते हैं इन सब चीज़ों पे, उनका फोकस बहुत अच्छा रहता है ज़्यादा। हमारे कंट्री में नहीं, हमारे कंट्री में तो फोकस क्या है भैया, इंजीनियर बन जाओ, ठीक है, IIT निकाल लो, ठीक है, एम्स पहुंच जाओ, ठीक है, या IAS बन जाओ, यही सब है। आजकल PCS का भी क्रेज ज़्यादा हो गया भाई, पहले भी था लेकिन आजकल और ज़्यादा हो गया है। आजकल तो कुछ भी, आजकल जो CUET निकाल ले रहा है ना, CUET का भी रैंक हो गया कि भाई रैंक हमने 1 लाया। अरे भाई, ये BSc BA का एग्जाम है, ठीक है, इसमें रैंक 1 रैंक 2 लाके क्या करना है, पहुंचो जहां पहुंचना है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, लाओ, अच्छी बात है। छोटी छोटी चीज़ों में भी आदमी को खुश रहना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में आपको ना कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक है, ये बहुत बेकार चीज़ है। कॉम्प्लेसेंसी अगर आ गई, जिस दिन कॉम्प्लेसेंसी आ गई, उस दिन आपकी कहानी खत्म, फिनिश, आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात को जान लीजिए। तो ये नहीं आना चाहिए। बाकी आप खुश रहिए, छोटी चीज़ों में, बड़ी चीज़ों में डजंट मैटर। तो सोशियोलॉजिस्ट जो थे, बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने पॉपुलराइज किया था? एडवर्ड विल्सन ने। जस्ट रिमेम्बर द नाम, ठीक है, समझ रहे ना? इन्होंने ये जितने भी लेवल पे डाइवर्सिटी होती है सबको कंबाइंडली मतलब स्टडी किया था और बोला था। यहाँ पे देखिए, हमने बताया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें से जेनेटिक है, स्पीसीज है, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
अरे इसके अलावा भी है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे काम के लिए है। जो हम इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में स्पीसीज को जब स्टडी करते हैं, तो इन तीनों लेवल पे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? सिंगल स्पीसीज, जैसे जेनेटिक लेवल का, जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? एक ही स्पीसीज के लिए जो जीन लेवल पर डाइवर्सिटी होती है। भाई हम हैं लेकिन हम दूसरे से वैरी करते हैं ना, जीन लेवल पर वेरिएशन होता है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ऐसे ही प्लांट के केस में होता है कि एक प्लांट मतलब एक ही सेम स्पीसीज है, ठीक है। सेम स्पीसीज है, मान लीजिए ए, ये किसी और हिमालय में कहीं और ग्रो करता है, ठीक है, हिमालय के सबसे हायर रेंज में। और स्पीसीज यही यही जो है सेम स्पीसीज हिमालय के सबसे लोअर रेंज में करता है, जो शिवालिक रेंज है। तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। वेरिएशन कहाँ देखने को मिलता है? मतलब उसके इंटरनल जो केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन है उसमें, ठीक है। कहीं ज़्यादा बन रहा होगा, कहीं कम बन रहा होगा, हो सकता है पोटेंसी और कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। कहने का मतलब मान लीजिए ये पूरे हिमालय की रेंज है, ठीक है। अरे शिवालिक से लेके ये आउटर रेंज तक अगर हम जा रहे हैं, तो अलग अलग लेवल पे अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये इसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है। मतलब यहाँ से शुरू होता है, दिस इज शिवालिक, सबसे लोवेस्ट श्रेणी, ठीक है। और ये मान लीजिए आउटर हिमालय है, सॉरी, या तो इनर हिमालय की हम बात करेंगे, ठीक है, इनर हिमालय, या अब ट्रांस हिमालय की बात कर लीजिए। ट्रांस हिमालय का मतलब काराकोरम रेंज, काराकोरम दर्रा तो नाम सुने ही होंगे, ठीक है। हाँ, और ये बीच में क्या है? मिडिल हिमालय है। मिडिल हिमालय में आपका जो हिमाचल प्रदेश है और आपका मसूरी है, उत्तराखंड का, ये सब आता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? जम्मू कश्मीर का भी एरिया जो घूमने वाला है ना, जहाँ पे ब्यूटी दिखती है आपको, लैंडस्केप दिखता है, सीनिक ब्यूटी, वो मिडिल हिमालय का पार्ट है ये वाला। नीचे इसके शिवालिक है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो इनर हिमालय दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब जो पीछे की रेंज है, क्लियर है कि नहीं? ओके, सो ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस बता रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है एक्चुअली में। द जेनेटिक वेरिएशन शोज, अब इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैंने बोल दिया है तो ध्यान रखिएगा, शिवालिक है, इनर है, आउटर है, ठीक है, और मिडिल है। इसको ध्यान रखिएगा किस ऑर्डर में कौन सा आता है और क्या बोलते हैं, आप बताइए कि क्या क्या बोलते हैं इसका, इसका अलग दूसरा नाम क्या है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सोन बाय द मेडिसिन मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया, जो हमारी तरफ नॉर्मली ग्रो करते हैं, हम राउल्फिया सरपेंटिना ग्रो करते हैं, ठीक है, राउल्फिया सरपेंटिना, समझ रहे कि नहीं? सर्पगंधा, सर्पगंधा, राउल्फिया सरपेंटिना मतलब सर्पगंधा, और ये उसी इसी की स्पीसीज है वोमिटोरिया। तो इसको ध्यान रखिएगा, राउल्फिया वोमिटोरिया मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। ग्रोइंग ऑन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस सी माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी, मतलब इसमें वेरिएशन क्या होगा? जितनी रेंज में यहाँ से यहाँ तक स्पीसीज ग्रो कर रही, तो जो स्पीसीज यहाँ ग्रो कर रही है, ठीक है, और सेम राउल्फिया वोमिटोरिया के, और जो यहाँ कर रही ना, इसमें और इसमें डिफरेंस कहाँ मिलेगा? इसमें जो एक्टिव एक्टिव इसका केमिकल ग्रेडियंट है, एक्टिव इंग्रेडियंट, जो एक्टिव केमिकल इंग्रेडियंट, एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट जो है ना, ठीक है, उसमें डिफरेंट मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं रेसरपीन, रेसरपीन, ठीक है, याद रखिएगा। आपको यहाँ दो तीन चीज़ें याद रखनी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए राउल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, केमिकल यहाँ पे एक्टिव केमिकल कंपाउंड क्या है? रेसरपीन, और डिफरेंस कहाँ दिखता है? पोटेंसी में और कंसंट्रेशन में, क्लियर है कि नहीं? हिमालयन इंजीनियर की बात है। ऐसे ही इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेंस ऑफ राइस, याद रखिएगा ये फैक्ट, ठीक है। मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेंस ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। हम बनाते हैं ना कि मैंगो की ये वैरायटी है, ये मालदा है, तो ये दशहरी है, ये लंगड़ा है, ये चौसा है, वैरायटी है ना भाई, तो यही है बोल रहा है ये, क्लियर है? जेनेटिक डाइवर्सिटी क्लियर है कि नहीं? ओके, अब आते हैं स्पीसीज लेवल पे। स्पीसीज लेवल पे अगर हम डाइवर्सिटी देखते हैं, तो रीजन के बेसिस पे कहते हैं कि भैया कि सेम स्पीसीज की, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका फ्रॉग का स्पीसीज, एम्फीबियंस है, फ्रॉग भी आता है उसमें, इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एम्फीबियंस में और भी आते हैं, ठीक है, सलामेंडर, एम्फीबियंस की जितनी भी स्पीसीज हैं। ये बोल रहा है कि डाइवर्सिटी अगर स्पीसीज लेवल पर देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है? वेस्टर्न घाट का और ईस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट आप देखें महाराष्ट्र से लेके आप गुजरात से लेके आता है, 6 स्टेट कवर करता है, गुजरात से लेके आप सीधे सीधे केरला के सबसे नीचे तक आएंगे,
तमिलनाडु वाला एरिया भी थोड़ा सा आता है, ठीक है, सपोज। तो ये वेस्टर्न घाट हो गया। ईस्टर्न घाट ऐसे ही आप ईस्टर्न साइड में, जिधर वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आपका आंध्रा वाला एरिया आता है, तमिलनाडु का मेजर पोर्शन भी आता है, ठीक है, ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट में जो है एम्फीबियंस की ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है। तो ये किस लेवल पे हो गई? स्पीसीज लेवल पे। ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म की भी होगी, ठीक है, होती है एक्चुअली में। आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे तो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप वहीं चीज़ सेंट्रल इंडिया में आ जाइए, या साउथ इंडिया में आ जाइए, या वेस्टर्न घाट में आ जाइए, ठीक है, या आप ईस्टर्न हिमालय पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न हिमालय में आएंगे तो उसी उसी स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाएगी, या नहीं मिलेगी, या एकाध दुक्का रहेगी, ठीक है, बहुत कम। तो ये क्या है? स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब आते हैं इकोसिस्टम लेवल पे। इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी देखते हैं तो जो डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स हैं, ये इकोलॉजिकल का मतलब इकोसिस्टम लेवल है, इको सिस्टम लेवल है इकोलॉजिकल। एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस डेजर्ट इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट भी है हमारे यहाँ, मैनग्रोव्स हैं, आप पूरा देखिए सुंदरबन डेल्टा जो चले जाइए, रेन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? या अंदमान निकोबार और उधर एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट उधर देखने को मिलेगा। कोरल रीफ लक्षद्वीप पे चले जाइए सबसे ज़्यादा, वेटलैंड्स, ठीक है, वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, हर जगह मिल जाएंगे, उत्तराखंड में मिल जाएगा, मणिपुर में मिल जाएगा, प्रॉपर वेटलैंड है वहाँ पे, ठीक है, आपको सुंदरबन में मिलेगा, बहुत जगह मिलेंगे, ठीक है। इस्टरीज, इस्टरीज कहाँ होता है? जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड साल्टी वाटर, मतलब मरीन वाटर मिलता है, ठीक है। ये कौन क्या बनाता है? इस्टरीज। फ्रेश वाटर में मतलब सैलिनिटी जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है, जो साल्टी वाटर होता है, ओशन होता है, इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस्टरी का सैलिनिटी क्या होगा? इसके बीच का होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें एक डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज ग्रो करती हैं, ठीक है। ये कौन सा रीजन बनता है? इकोटोन बनता है। इकोटोन का कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, ठीक है। तो इकोटोन बनता है, ठीक है। एंड अल्पाइन मीडाउस, ठीक हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन दी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, बोल रहा है, क्योंकि ये ठंडा वाला है, टेम्परेट रीजन है, और यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, आइस कैप्स ज़्यादा मिलेंगे, तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी बहुत अलग और बहुत कम दिखेगी। लेकिन जो अभी हमने ये बताया, ये सब यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो डाइवर्सिटी लेवल में डिफरेंस कहाँ से आया? इकोसिस्टम के बेसिस पे, ठीक है, इकोसिस्टम के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंस आया, इसलिए हम इसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं पहला लेक्चर। अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो जो टोटल फैक्ट एंड फिगर है उसके बेसिस पे हम इंडिया की बात करेंगे और टोटल डाइवर्सिटी की बात करेंगे, किसमें कौन सी इंसेक्ट, इन्वर्टिब्रेट की डाइवर्सिटी कितनी है, वर्टिब्रेट की कितनी है, प्लांट की कितनी है, कंपेरिजन और जो भी डेटा हमको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे, कैसे चेंजेज होता है, लैटिट्यूडनल चेंजेज कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल चेंजेज कैसे होता है। क्लियर है? ओके, सो आज के लिए इतना ही। पढ़िए भाई, पढ़िए, पढ़ना जरूरी है, ऐसे बैठ के सोचने से नहीं होगा, कुछ रील्स देखने से कुछ नहीं होना है, जब एग्जाम आएगा तो फिर कांपना शुरू कर देंगे, शिवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।